आज मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ वो एक और चैनल है जो भूतिया जगहों पे जाके वही ड्रामेबाजी चलती है उनकी, तो उसका नाम है ये क्या था। और वो लोग, उन्होंने भी ऐसे ही EMF मीटर से किया है, चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है जो मेरे को बहुत ही बचकानी लगती हैं, और उनको तो बहुत सही से आवाज़ें भी आती हैं। क्या आप हमसे बात करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ हाँ, थैंक यू। लेकिन मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों लोगों को, जिस चीज़ से लोगों को डर लगता है वही चीज़ लोगों को देखना इतना पसंद क्यों होता है, क्यों वो ये अपना डर नहीं निकाल पाते और उनको वही चीज़ें देखनी होती हैं। ये जो चैनल है ये भी बहुत सारी जगहों पे जाता है जो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं, जैसे मर्जी जाते हैं, वीडियो लेके आते हैं, लेकिन उनके तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, कभी शमशान घाट पे, कभी कहीं। और ये चैनल ऐसा चैनल है जो लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में कभी ये नहीं बोला है कि हमें कोई भूत नहीं मिला है, कभी कुछ नहीं मिला है, कभी दरवाज़ा खुलता है उनका शमशान घाट का, कभी बंद हो रहा होता है, कभी कुछ। दोस्तों बिल्कुल सामने रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सारी चीजें जब हम देखने लगते हैं ना तो हमें विश्वास होने लगता है, लेकिन जैसी मैं ये सारी बातें रिसर्च कर रही थी कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो बस मुझे यही पता लगा कि ये सारी चीजें नहीं होती हैं, ये कोई भी कुछ भी कर सकता है। और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि तुम लोगों को पता लगे कि हॉन्टेड प्लेसेस होती होंगी, लेकिन वहाँ पे भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे तो ताजमहल भी बहुत पुराना है, उसको क्यों नहीं हॉन्टेड कर दिया। ये सारी चीज़ें यार मिथ होता है। तो गाइज प्लीज़ ये सब छोड़ो और थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें सोचो, क्योंकि ऐसी वीडियोस देना और लोगों को बताना कि घोस्ट होते हैं, एनर्जीज होती हैं, सब कुछ होता है, ये ऐसा ऐसा जो इन्होंने अपने चैनल पर दिखाया यही सेम स्टफ़ और भी दूसरे चैनल दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि मत बिलीव करो जब तक खुद नहीं देखते। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों ये चीज़ें लोग इतना बिलीव करते हैं, क्यों उनको ये चीज़ें जो डराती है वो ही देखना पसंद करते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें देखते हैं जो उनको डराती है और फिर भी देखेंगे, क्यों देखना है। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये भी बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज़ पे रिव्यू चाहिए, कोई भी चैनल, कोई भी प्रोडक्ट। ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे हमने अपना नया पेज बनाया है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। प्लीज़ फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।